नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है, ह्यूमिडिटी तो पूरी है, लेकिन हाँ गाड़ी में थोड़ा घूमो तो धूप नज़र नहीं आती तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सरप्राइज़ ही है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, अभी आगे आगे देखने को मिलेगा तब पता चलेगा कि आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो कौन कौन जा रहा है मेरे साथ? मैं, बाबू जी, राधे राधे। There's 5-minute congestion on National Highway 9 in 1.5 kilometers. कार्तिक को नींद आई है क्योंकि सुबह जल्दी उठा था। बेस्ट रूट। तो कार्तिक ने गाड़ी नहीं चलाई, हो सकता है रास्ते में चला ले जब इसकी नींद पूरी हो जाए। तो कार्तिक गाड़ी बाद में चलाएगा और कार्तिक से मिलवाया जाएगा बाद में जब ये सोकर इन 600 meters slide left onto National Highway 9। रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा आइडिया आप लोगों को लग ही जाएगा और जहाँ पहुँचेंगे फिर तो पूरा दिखाई दिया जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी, वैसे तो बारिश का मौसम है, बारिश आने वाली हो रही है अभी भी, और जो जब बारिश होती है तो दिल्ली का जो ट्रैफिक है देखने वाला होता है। आप जैसे आपका रास्ता एक घंटे का है तो आपको वहाँ 5-5 घंटे भी लग जाते हैं। तो जैसे कल का ही बता देती हूँ आपको कि कल मेरी बेटी पीयूषा ऑफिस से 6:40 पर निकली थी और रास्ता अभी दिन कोई 45 मिनट का होगा, तो लेकिन रात को वो घर पहुंची है। कितने बजे पहुंची है? 11:15। रात को वो घर 11:15 पहुंची है। तो आप हिसाब लगा लो कि 5 घंटे उसको रास्ते में ही लग गए, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में। ये दिल्ली की बारिश ही ऐसी है। हाँ, दिल्ली की बारिश और दिल्ली एक का बारिश हो ही नहीं और पोल पट्टी खुली नहीं। तो दिल्ली का ट्रैफिक सबसे गंदा होता है, तो 5 घंटे उस बेचारे को 1.25 घंटे में, यानी कि 40-45 मिनट का रास्ता उसने 5 घंटे जब ऐसा होता है, जब ट्रैफिक चलता रहता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ट्रैफिक रुक जाता है तो फिर बड़ी परेशानी होती है। लेकिन अभी तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला। हाँ, लगता है कि अगर बारिश हो जाती है तो हमें ट्रैफिक दिल्ली से निकलने में मिलेगा ही मिलेगा। आज तो डर रही थी ऑफिस जाते हुए कि गाड़ी लेके जाऊँ। हाँ, आज तो क्या, आज पीयूषा जो है ना, हाँ, ऑफिस जाते हुए डर रही थी इतनी देर लगेगी तो गाड़ी लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। हाँ, तो वो सोच रही थी मैं मेट्रो से चली जाती हूँ क्योंकि कल इतना उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और कल सुबह ऑफिस गई है वो, 9:30 निकली है, तो सुबह भी वो 11:15 के करीब ऑफिस पहुँची है। तो बारिश है और दिल्ली का ट्रैफिक, दोनों मिल जाए फिर तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, जैम ही जैम मिलेगा आपको दिल्ली में। हाँ जी, तो हमें रास्ते में रश तो नहीं मिला, मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं तो सोचा चलो रास्ते में फ्रूट ले लिए जाए। तो ये देखिए, ये है फ्रूट। तो मैंने फ्रूट लिया तो इन्होंने मुझे दिखाया कि खजूर, तो मैंने पहली बार देखा। दिखाना भैया खजूर कौन से थे भैया? खजूर दिखाओ, लाल वाले और ये पीले वाले। हाँ दिखाओ मुझे। हाँ ये तो, ये देखिए नहीं दिख रहा। हाँ ये रहा, तो ये देखिए, ये खजूर पहली बार देखे हैं इतने, मतलब कि वो लाल वाले कौन से? और जो लाल वाले, ये देखो, ये खजूर भी मैंने पहली बार देखा, खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट, लेकिन देखा पहली बार। तो हमने आड़ू लिए और हमने लिए आलू बुखारा, हो गया ऐसे। तो हमने आड़ू और आलू बुखारा लिया, तो व्रत में तो फ्रूट ही खाएंगे क्योंकि घर पे होते तो खाना और भी बन जाता। कहाँ पहुँचे हम? ग्रेटर नोएडा ही है। अच्छा, मौसम देखो कितना अच्छा है। चलो ये अच्छा है कि आज हमें धूप नहीं मिली। हाँ आज धूप नहीं है, मौसम तो अच्छा है। मौसम अच्छा है, गाड़ी में बैठ के तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ हैं, बाहर धुंध हो रही है ना। कार्तिक मजे से सो रहा, देखो है ना, ये कार्तिक सेठ आराम से सो रहे हैं। नोएडा में आपका स्वागत है। वेलकम टू नोएडा। बिल्कुल, बस हम नोएडा से एंट्री करके यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। हरियाली बहुत है ना, देखो। हरियाली तो करनी पड़ेगी, हरियाली के बिना जीवन नहीं है। ये आ गए हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे है तो।
चलो जी बस अब हम चलते जाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया मुझे तो आज ये लगा, मौसम बड़ा सुहाना है। कार्तिक की नींद पता नहीं कब पूरी होगी, है ना? There's a lane closure ahead. कार्तिक की नींद पूरी होगी, चल सो जा फिर दोबारा। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है? सबको उठ गया तो गुड मॉर्निंग बोल दे, राधे राधे बोल दे, तेरे तो सुबह भी हुई है, उठ के मिलते हैं। तो जी अभी तो हम रास्ते में ही हैं, थोड़ा खाने पीने के लिए रुके हैं और या यूँ कहें कि जल पान के लिए रुके हैं। तो नोएडा एक्सप्रेस वे के रास्ते में थोड़ा बहुत, तो जैसे रास्ता लंबा ही हो जाता है दिल्ली से लगा के वहाँ तक, तो थोड़ा चाय वाय सब हो ही जाती है, रास्ते में पीनी पड़ती है। तो नोएडा एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वृंदावन, तो आपको वृंदावन की गलियों की सैर कराई जाएगी, बिहारी जी के मंदिर वगैरह की अगर वहाँ अलाउ हुआ तो वो सब आप लोगों के साथ दर्शन के करवाए जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए थोड़ा सा हम जलपान कर लेते हैं। कैसे सही बात कार्तिक, क्या खाना तुझे? हैं बर्गर किंग? ओ तू तो बर्गर खाएगा, हमने तो अंदर ही तो होगा, अंदर से ही होगा बेटा, तू भी ध्यान से कार्तिक, तू भी ध्यान से। तो जी अब हम यहाँ खाने पीने रुके हैं, मैंने बोला ही था कि क्या खा रहे हो और खा लो, काफी खा रहा बढ़िया चीज, तो क्या खा रहा है? बर्गर भाई ये कितने लगा खाया। और ना कार्तिक बोर हो रहा, आज आया हम दोनों के साथ, मनु के साथ आता तो शायद ये बोर ना होता, है ना कार्तिक? बोर हो रहा हमारे साथ, सही लग रहा है? वो तो तेरे दिल से पूछ के देते हो। और मेरे लिए आई है चाय, है ना? ढूंढी लाए तेरे को खाई चाय। तो कार्तिक खाएगा बर्गर, भाजी खाएंगे, पियेंगे पेप्सी और ये फ्रेंच फ्राइज, और मैं पीऊँगी चाय। कार्तिक के मजे है ना, ये वाह मजा। तो ये कह रहे हैं मैंने आप सबको बर्गर नहीं देना। वैसे ही तू घर का खाना तो खाता ही नहीं, तेरे से खाया ही नहीं जाता। ये घर का? अच्छा, सारा दिन इसको छोले भटूरे खिलवा लो। अब ये क्या खाएगा कार्तिक? तो रैप है। रैप? कौन सा रैप? आलू की टिक्की है क्या? और क्या? नहीं नहीं बाकी ये क्या क्या इसमें? आलू टिक्की? अरे कुछ नहीं है, ऊपर से रैप कर दिया, कतरा था वो। चल रैप खाओ रैप, है ना? और उस हमारी भाषा का रैपता खा। कार्तिक तेरे ऊपर ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, देख फिर भी मैं कहता हूँ एक पीछे पेपर रोल लेके आओ, मैं ला रही। चलो अपना काम आप करो, जो कोल्ड ड्रिंक रही ना साफ कर दो, कर दी तो दी हुई। और क्या ये है सामने स्टार? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे बोली? नहीं पूरी टेबल तो साफ मत करो, लेकिन जो गंदा फैलाया है फैलाया था वो मैंने कर दिया, कर दिया ना, ठीक है होना भी चाहिए। नहीं, नहीं, आपने कर दिया, आप कर दिया। ये है
स्टारबक्स कॉफी। तो हम में से कॉफी किसने पी यहाँ? कार्तिक ने। कार्तिक ने स्टारबक्स किसने कॉफी पी? मैं तो कभी ना पी। कार्तिक छोले भटूरे पीछे से ये सबसे स्मार्ट पर्सनैलिटी यही है। ध्यान से कहीं तू भी गिरे इस स्टूडियो में। अभी कोई गिर गया था ना यहाँ? हैं? अच्छा मैंने देख लिया था। तूने देख लिया था? हाँ कार्तिक तू क्या करता है? ये खा लूँ मैं? ये पता कौन से तेल में तले होंगे तुझे पता? वाह तेरे लिए। या उसे पता था कि कार्तिक और उसकी बुआ आ रहे देसी घी में तलो है ना? प्रतिभा में और भी निखारा गया। तुझे पता है? चार दिन एक ही तेल चलाते हैं। हाय हाय चार दिन एक ही तेल। जब ये तुम्हें स्वाद लगता है ना ये? हाँ हाँ घर में एक बार घी में तले थे अच्छे नहीं लगते। हाँ तो इसकी बात सुन लो क्योंकि इन्हें अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है ना। चलो मिलते हैं फिर पहुँच के। ठीक है टोल टैक्स आ गया ना? टोल टैक्स तो देना पड़ेगा ही जब अच्छी अच्छी सड़कें चाहिए तो। हाँ जी अब गाड़ी क्यों रोक दी भाई? मैं अब थक गया हूँ। थक गए हो? थोड़ा सा थक गया। कार्तिक आ जा भाई। तो मैं पीछे बैठ जाऊं? हैं? मैं पीछे बैठ जाऊं? तू पीछे क्या करेगी? तो आगे बैठी रह तू। बैठी रहूं? तुझे वीडियो बनानी है बनाई ये देखा है। आ जा यार मैं अपना आ जा। वैसे तो ज्यादा वो थकावट ओए ठहर जा भाई। वो मैंने वहां वो चाय वाय पीना रुके ना रेस्टोरेंट में तो नींद आ रही है। ये करे क्या गिराया? थोड़ी सी नींद आ रही है मेरे को। थोड़ी सी? हां क्या कह रहा ये थारा भाई कार्तिक इतनी गाड़ी चला देगा। किसी ने सोची ना होगी। सोची ना होगी तो बैठा कौन है तेरे साथ? तेरी माँ की बहन। मेरी माँ की बहन? हाँ नहीं तेरे बापू की बहन। क्या हो गया? सीट चकनी है? तो चकने वाली है। हाँ चकली चकली तेरे को तो ये पीछे करनी है सीट वाली। हाँ तो कर आगे से साइड में हैंडल। अच्छा, है इसके। मैं आगे वाला उठा रहा था। चलो हो गए स्टार्ट। ध्यान से चलाइयो साइड में देख लियो और धीरे धीरे चलाइए थोड़ी। अब इतने भी धीरे ना चला के धक्का धक्का मारना पड़े। मैं हैंडल संभाल लेता हूँ धक्के मार लो। नहीं चलाइए धीरे मतलब थोड़ा ध्यान से। ठीक है चल ये हैवी ड्राइवर की ड्राइविंग देख लेते हैं और पीछे देख लो। सॉफ्ट ड्राइवर देख ले पीछे। चलो जी मौसम अच्छा है। ये कर दे अब सोएंगे पापा जी तेरे। सोने का टाइम कहाँ है? टाइम चलो ठीक है कितनी देर में पहुँचेंगे? आधा घंटा पूरा घंटा में पहुँचेंगे। चलो ठीक है बाकी के प्यारी जी के बंदर में। हाँ हाँ आउटर नहीं है ये अभी आउटर अभी देख लिया। ये ऐसे कंफ्यूज करते हैं मुझे देख सुन लो आप सब। ये हमेशा मुझे ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। हम हैं कंफ्यूज्ड। कोई बात नहीं खुद कंफ्यूज है। ठीक पहाड़ों के रास्ते आ गए। हाँ पहाड़ों के रास्ते टेढ़े मेढ़े हमारे ठाकुर जी की गलियां हैं ये। यहाँ गलियां गाड़ियां आती रहती हैं। ठीक है कार्तिक समझ लिया कर इंस्ट्रक्शन दे रहे तेरे फूफा जी। कंटिन्यू फॉर 1.5 किलोमीटर। श्री धाम वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। गोवर्धन इधर को है। चलो किस दिन गोवर्धन की भी परिक्रमा करने आएंगे। ठीक है ये क्या करते हैं किधर? यमुना ये। हाँ यहाँ तो यमुना जी होगी और क्या होगा। यमुना जी तो कारी 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 है भैया सही में। पर यमुना जी की आरती तो नहीं देख कर सकते ना अपा अगर रुक सको तो। तो जी हम पहुंच गए हैं वृंदावन और गाड़ी कर रहे हैं पार्क और ये देखिए बंदर पी रहा है फ्रूटी।
तो गाड़ी के अंदर बैठ के जो वीडियो बन पाएगी वही बन सकती है, नहीं तो बंदर जी महाराज जो है कैमरा ले जाएंगे। लेते हैं। चलो जी उतरे। मोबाइल संभालना मैडम, बंदर हाँ भैया आओ। अब वेट कर रहे हैं हम सारे, ये रे बुआ और बंदर का ध्यान रखो, बंदर ले जाएंगे पता लगे नुकसान करा दिया है। तो भी मंदिर बंद है, 5:30 बजे खुलेगा, जब तक हम वेट कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं बिहारी जी के मंदिर में और फूल वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और अंदर का एहसास हो रहा है क्योंकि फूल वगैरह लगा हुआ है, पानी भी यहाँ काफ़ी फैला कर रखा है और खुशबू बहुत अच्छी है। तो जी अब हम आ गए हैं राधा वल्लभ मंदिर में और बांगी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जो राधा वल्लभ मंदिर है यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ बहुत कम है, यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत देर से खड़े हैं, दर्शन हमें अभी तक नहीं हुए हैं और अभी पीछे भजन भी चल रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी तो आपको भजन भी सुनने को मिलेगा ही मिलेगा इस लोगों में, तो थोड़ा यहाँ भी कितना रश है कितनी भीड़ है आप लोगों का थोड़ा सा दिखा देंगे। परिक्रमा कर लेते हैं।
खड़े हो जाओ। हाँ भाई साहब, आ जा आ जा। हाँ जी, राधे राधे बाबा जी। आप यहीं रहते हो? यहीं? राधे राधे। तो जी, राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन कर लिए, बिहारी जी के भी आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, और अब हम जा रहे हैं घर वापस दिल्ली। तो अब की बार ऐसा नहीं है कि लौट के बुद्धू घर को आए, इस बार दर्शन करके ही आए हैं, क्योंकि लास्ट बार जब व्लॉग बना था तो उसमें मैं, कार्तिक और तन्मय, हम तीनों आए थे, और लेकिन उस बार हमें दर्शन नहीं हुए थे, तो हमने बोला कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो लेकिन इस बार हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए, बिहारी जी के मंदिर में फुल बंगला लगा हुआ था, राधा वल्लभ मंदिर में भी फुल बंगला था, तो बस बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया दर्शन करके। और अब हम जा रहे हैं वापिस घर की ओर, देखते हैं रात को कब तक पहुँचेंगे। तो जी, प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकल रही थी, लेकिन थोड़ा हम लेट हो गए तो हम उसे देख नहीं पाए और ना ही मैं वीडियो बना पाई। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर में कभी जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा निकल रही होगी जब व्लॉग बन जाएगा। तो बस ये था आज का व्लॉग वृंदावन की ओर, तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की। बोल दो बांके बिहारी लाल की।